नमस्कार, अब आप देखना शुरू कर चुके हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ टीना जैन। आज की खबरों में शुरुआत करते हैं इस खबर से। मड़देवरा गांव के आयुष जैन ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 13वां स्थान प्राप्त किया। बक्सवा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले मड़देवरा गाँव के बालक ने रचा इतिहास, डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ चयन। छतरपुर जिले के बक्सवा तहसील अंतर्गत ग्राम मणदेवरा निवासी भागचंद जैन एवं श्रीमती आशा जैन के सुपुत्र आयुष जैन ऐसे ही प्रतिभा के धनी हैं। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और कुछ अलग करने की चाह रखने वाले आयुष ने प्रथम प्रयास में ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की है। भागचंद जैन एवं श्रीमती आशा जैन बक्सवा तहसील अंतर्गत ग्राम मणदेवरा निवासी हैं। आयुष के पिता ने बताया कि हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, इसलिए अपने बच्चों को कभी प्राइवेट संस्थानों में नहीं पढ़ा सके, लेकिन बच्चे शुरू से ही होनहार थे और लगभग 15 घंटे तक वह पढ़ाई करता था। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी घर पर रहकर ही की है। सागर विश्वविद्यालय से बी फार्मा किया है और अभी वर्तमान में सागर से एम फार्मा भी कर रहा है और साथ ही प्रथम प्रयास में ही इसने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता अर्जित की है। गौरतलब हो कि आयुष के पिता छतरपुर जिले के विजावर तहसील में बीज निगम में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और उनकी बहन आयुषी जैन सागर में मंडी इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। जैन परिवार के शुभचिंतकों एवं आयुष के मित्रों ने उसे बधाइयाँ दी हैं। नमस्कार, मेरा नाम आयुष जैन है, मेरे पिताजी का नाम भागचंद जैन है, मैं सागर का रहने वाला हूँ। हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2020 में मैंने मध्य प्रदेश में 13वीं रैंक हासिल की है और इसके तहत मुझे डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा, अपनी बड़ी बहन को देना चाहूँगा, जिन्होंने कठिन समय में मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा बनाए रखा और निश्चित रूप से मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस सफलता तक पहुँच सकूँ। इसके अलावा मेरी तैयारी के दौरान मेरे दोस्तों ने मेरा काफ़ी साथ निभाया, इसके लिए मैं अपने दोस्तों को भी मेरी सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ। अब अगर मैं अपने MPPSC की जर्नी के बारे में थोड़ी सी बात करूं, तो मेरी जो MPPSC की जर्नी है वो कॉलेज के फाइनल ईयर से स्टार्ट होती है। मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन में बी फार्मा किया हुआ है डॉक्टर सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से, तो वहीं उसके जो फाइनल ईयर था वहाँ से मैंने अपनी MPPSC की जर्नी स्टार्ट करी और उसके बाद कोविड का टाइम आया, लॉकडाउन लगा और इस समय को मैंने पूरी तरह से यूज़ करने की कोशिश की। इस समय पे मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की, यूट्यूब से लेक्चर्स देखे और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स खरीदी, उनसे नोट्स बनाए। इसके बाद मैं कुछ समय बाद प्रीलिम्स की जब डेट आई तो मैंने प्रीलिम्स की तैयारी चालू की। मेरा प्रीलिम्स पहली बार में ही क्लियर हुआ और फिर मैंने दोबारा से अपनी मेंस की पढ़ाई स्टार्ट की, आंसर राइटिंग स्टार्ट की, टेस्ट दिए और निश्चित रूप से फिर उसके बाद में मेंस की परीक्षा में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया और मेरा मेंस क्लियर हुआ। फिर साक्षात्कार की बारी आई तो साक्षात्कार में मैंने अपना पूरा बेस्ट प्रदर्शन देने की कोशिश की, पर्सनैलिटी डेवलप करने की कोशिश की, कुछ मॉक इंटरव्यूज़ दिए और इस तरह साक्षात्कार के बाद आज मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और मैंने मध्य प्रदेश में 13वीं रैंक हासिल की। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आगे आने वाले अभ्यर्थियों को ये बताना चाहूँगा कि अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ में मेहनत करें प्लस अगर हमारा भाग्य हमारा साथ दे तो निश्चित रूप से हम इस परीक्षा को पहली बार में ही निकाल सकते हैं। आगे आने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं कुछ अगर टिप्स दूं तो उनसे मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो MPPSC की जो परीक्षा है वो उसमें मेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है, तो मेंस की परीक्षा के लिए आपको आंसर राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, नियमित रूप से आपको आंसर लिखने चाहिए, उनमें सुधार करना चाहिए, साथ ही साथ में टेस्ट लिखने पे आपको ध्यान देना चाहिए, समय मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ में अभ्यर्थियों में एक ये भटकाव देखने को मिलता है अक्सर कि वो नोट्स के लिए भटकते रहते हैं, अलग अलग कोचिंग्स के नोट्स खरीदते हैं, इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि 10 नोट्स पढ़ने से अच्छा है कि हम एक नोट्स को ही 10 बार पढ़ें। चाहे तब ये भटकते रहते हैं, अलग अलग कोचिंग्स के नोट्स खरीदते हैं, इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि 10 नोट्स पढ़ने से अच्छा है कि हम एक नोट्स को ही 10 बार पढ़ें। चाहे तो हम हैंड रिटन नोट्स बना लें, खुद से लिख लें और कम भटकाव के साथ में एक दिशा के साथ में तैयारी करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस परीक्षा के दौरान मुझे जो लगी कि हमें अपने आप पे भरोसा बना के रखना होगा। कई बार निराशा का समय आएगा, ऐसा समय आएगा जब हमें लगेगा कि हम कहीं पीछे हो रहे हैं या हमें छोड़ देना चाहिए, तो बस यही है कि हमें गिव अप नहीं करना है, अपने आप पर भरोसा बनाए रखना है
और निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त होंगे। आप सभी के लिए आने वाले अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।